होप यू ऑल आर डूइंग गुड, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज है संडे, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थोड़े से जनरल टॉपिक के बजाय कि कोई टेक्निकल टॉपिक पे बात करने के, क्योंकि मैं जो हूँ कल मैंने ऑलमोस्ट 5 से 7 वीडियो जो है सिर्फ ब्लॉगिंग के ऊपर बना दी, और उससे मैं थोड़ा बहुत थक चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके बात करना चाहता था। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पूछा था कि जो स्टूडेंट लाइफ है या स्टूडेंट लाइफ और उसके बाद जो जॉब लाइफ है उसमें कितना डिफरेंस होता है या क्या क्या डिफरेंस होता है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस पे कुछ जो भी है थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस वो शेयर करूँगा। तो आई थिंक आज जो है वो सही टाइम है एक्सपीरियंस शेयर करने का, ताकि थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हम लोग बात कर सके और जो डेली की लाइफ है हमारी टेक्निकल से हटके थोड़ा जनरल टॉपिक की बात कर सके, और थोड़ा सा मुझे भी काइंड ऑफ मौका मिला है लुक बैक करने का है। ऑलमोस्ट मुझे स्टडी फिनिश किए हुए 10 से 11 साल हो गए हैं, और 11 साल हो गए हैं अगर मैं रेगुलर की बात करूँ तो, रेगुलर स्टडीज़ की बात करूँ तो। वैसे तो जन स्टडी हर मतलब अगर आप आईटी लाइफ में हो तो आपकी स्टडी कंटिन्यूस चलती रहती है, मैं बात करूँगा उसके बारे में। और वैसे मैं जनरली बोलता नहीं हूँ अपनी वीडियो शेयर करने की, क्योंकि जो मेरी वीडियोज़ होती हैं वो टू द सर्टन टॉपिक होती है, वो एक सर्टन काइंड ऑफ ऑडियंस को के लिए ही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे कोई ऑटोमेशन की, तो सिर्फ वही बंदे उसमें इंटरेस्टेड होंगे जो कि ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉगिंग की, तो वही बंदे उसमें इंटरेस्टेड होंगे जो ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है थोड़ी जनरल वीडियो है, जो कि आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को या जो जनरल भी वर्क वगैरह कर रहे हैं उनके लिए जो है बेनिफिशियल हो सकती है, थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। ऑल्सो क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, आई एम जस्ट हैविंग टी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टडी लाइफ की। स्टडी लाइफ में दोस्तों क्या होता है, इट इज़ ऑल अबाउट फन। आप जब बहुत ज़्यादा छोटे होते हो तब तो शायद आप रियलाइज़ नहीं करते हो कि आप फन टाइम आपका हो रहा है स्टडी लाइफ में, लेकिन एक्चुअल में जो स्टडी टाइम है इट इज़ ऑल अबाउट फन। आप बहुत फन कर रहे होते हो और आपके जो डेडलाइंस होती है बहुत छोटी होती है कि आपको होमवर्क फिनिश करना है या आपको एग्ज़ाम देना है। आई एम नॉट सेइंग कि ये छोटी हैं, ये बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप इसको कंपेयर करते हो एक्चुअल में जो आपका वर्किंग लाइफ है उससे, तब आपको जाके पता चलता है कि ये जो चीज़ें हैं कितनी छोटी थी। अगेन ये जो है मेरा एक्सपीरियंस है, आपका हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट हो, या कुछ लोगों का एक्सपीरियंस हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। वो वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो और जो उनका स्टडी लाइफ है वो बहुत स्ट्रेसफुल गया हो, ठीक है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था, जो मेरा स्टडी लाइफ था वो बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फन किया था। स्पेशली अगर मैं 12th तक की बात करूँ, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे बिल्कुल ही एक गवर्नमेंट स्कूल में जिसमें हर तरह के बच्चे आते थे, उसमें क्योंकि हर तरह का बच्चा जो है उसको अफोर्ड कर सकता था, इसलिए जो हम लोग देख पाते थे हर तरह के बच्चे जो कि डिफरेंट सोशल यू नो लाइफ जी रहे हैं, और सबसे जो यू नो वी वर हैविंग गुड टाइम, अपना खेलते कूदते थे, घर पे आके जो थोड़ा बहुत होमवर्क मिला वो किया, एंड इट्स ऑल अबाउट हैविंग फन। उसके बाद फिर जब हम लोग कॉलेज में मूव हुए उसके बाद जो है थोड़ा सा सीरियस होना शुरू हो गए, बिकॉज हमें पता था कि यार कॉलेज अब ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद जो है जॉब वगैरह ढूंढनी है, और उसके लिए ये था कि अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। लेकिन उस टाइम भी इतना नहीं था स्ट्रेस, हाँ ये था कि हमने हमें एक एक काइंड ऑफ एम बन गया था कि हमें जो है पढ़ाई करनी है और उसके बाद जो है जॉब के लिए देखना है। मोस्ट ऑफ द जो है पीपल की जो आपको पता ही है हमारी मेंटेलिटी यही होती है कि हमें जॉब करनी है। उस टाइम पे खैर मैं बिजनेस वगैरह का इतना सोच भी नहीं रहा था, आज भी इतना नहीं सोचता हूँ, लेकिन जो बहुत से लोग हैं जो शायद उनको ये स्ट्रेस रहता होगा पढ़ने के बाद कि उन्हें बिजनेस करना है, ठीक है। इसको एक्चुअली स्ट्रेस नहीं बोल सकते, इसे काइंड ऑफ आप डेडिकेशन बोल सकते हो या कमिटमेंट बोल सकते हो कि आप जो है आपको कमिटमेंट एक है कि हाँ मुझे जॉब लेनी है या मुझे जो है बिजनेस करना है या मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की कमिटमेंट हो सकती है। उसके बाद जो है जब आप कॉलेज लाइफ में होते हो तो आप जो है एक फिक्स टाइम के लिए स्टडी करते हो, फिर उसके बाद जो है अपना अपना खेलने कूदने लग गए या टाइम पास के बहुत से मीडियम होते हैं, घूमने फिरने चले गए, ठीक है। अब जॉब लाइफ जो है वो इससे बिल्कुल अलग होती है। जॉब लाइफ में क्या है, काइंड ऑफ आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक तो आपका जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत फिक्स होते हैं, जो कि मिनिमम वर्किंग आवर्स है। जैसे अगर आपको डेली 8 से 9 घंटे काम करना है तो वो आपको काम करना ही पड़ेगा डेली। उसके अलावा जो है आपका सुबह का टाइम जो है ऑफिस को जाने में
और फिर शाम में ऑफिस से जाने में लगभग 1.5 से 2 घंटे आपके ख़राब हो जाते हैं। अगर आप हो बेंगलोर जैसी सिटी में या ऐसी सिटी में जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो लगभग आपके 12 से 14 घंटे, अगर मैं वर्क लाइफ प्लस ट्रैवल को मिला लूँ, तो आपके 12 से 14 घंटे अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो है काम वगैरह करने में ही चले जाते हैं, क्योंकि जो ट्रैवल भी है वो भी आप काम के लिए ही जा रहे हो, इसलिए उसको भी हम काइंड ऑफ वर्किंग लाइफ का पार्ट मान सकते हैं। तो उसके अलावा अगर देखें तो आपके पास कुछ ज़्यादा टाइम बचता नहीं है कि आप जो फ्री एक्टिविटी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर सको या कोई ऐसी एक्टिविटी कर सको जिसके लिए आप पैशनेट हो, बिकॉज़ एक तो आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है इतना काम कर करके, उसके बाद जो टाइम मिलता भी है थोड़ा बहुत उसमें आप जस्ट रिलैक्स करना चाहते हो बजाय कि फिर से कोई काम करने की बजाय। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आईटी लाइफ में एटलीस्ट, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको इनफैक्ट आपके वर्किंग आवर्स के अलावा भी स्ट्रेच करना पड़ता है, आपके वर्किंग आवर्स के अलावा भी काम करना पड़ता है, जो कि हो सकता है बाकी जो और सेक्टर जॉब सेक्टर्स हैं उसमें भी ऐसा होता हो। मैं सिर्फ जो है अपना आईटी के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि ऐसा होता है यहाँ पे। और उसके अलावा अगर बात करें तो जो सोशल सर्कल होता है आपका, जो एज अ स्टूडेंट जब आप होते हो आपका एक डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल सर्कल होता है, आपको बहुत से जो हैं लोग जान रहे होते हैं, और अगर मैं मोस्टली बोलूँ तो जो है काइंड ऑफ आप जो ट्रूथफुल या उसको क्या बोलें लॉयल काइंड ऑफ फ्रेंडशिप जो आपकी है वो उस टाइम पे होती है। इनफैक्ट जब आप जॉब वगैरह भी कर रहे होते हो उस टाइम पे आप जो है अपने स्कूल या कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स वगैरह से काफ़ी उनको मिस करते हो या उनसे बात करना पसंद करते हो, अगर उनकी कॉल आती है तो आप काइंड ऑफ एक्साइटेड हो जाते होगे, एटलीस्ट मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ जब मैं उनसे बात करता हूँ अपने फ्रेंड्स वगैरह, स्पेशली जो स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं या जो कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं। इवन तो उतनी बात नहीं हो पाती क्योंकि अब हर लोग जो है वो डिफरेंट, उनका भी अगर वो है डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब में काम करते हैं, और जो हमारा जो वर्किंग यू नो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो जब मैं फ्री होता हूँ वो फ्री नहीं होते हैं, वो फ्री होते हैं तो मैं फ्री नहीं होता हूँ, तो इस वजह से वो भी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट आ जाता है। अब जो जॉब लाइफ में सोशल सर्कल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, और अगेन यहाँ थोड़ी सी लोगों की प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाती है यहाँ पे वर्क लाइफ में आने के बाद, वो हो सकता है मैरिड हो गए हों और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या प्रायोरिटीज़ हैं वो काफ़ी चेंज हो गई हैं, तो आप वैसा सोशल सर्कल यहाँ नहीं बना पाते हैं जैसा आप जो है स्कूल या कॉलेज टाइम पे आपका बना होता है। लेकिन हाँ, अगर अब मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो जो आपका जॉब वाला जो सोशल सर्कल होता है उसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है, आपको ऐसी नेटवर्किंग आप बना पाते हो जिससे आपको दूसरी जॉब मिलने में या काइंड ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इसलिए थोड़ा सा जो सोशल सर्कल है वो डिफरेंट होता है। इधर मैं बोलूँगा अगर स्कूल लाइफ में इट इज़ मोर टूवर्ड्स फ्रेंडशिप एंड ऑल, और सोशल लाइफ में इट इज़ मोर अबाउट मनी मेकिंग एंड ऑल। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, डोर पे कोई आया, आई हैव टू कलेक्ट द पार्सल, जस्ट गॉट दिस पैकेट, इसको बाद में देखूंगा क्या है इसमें। हाँ, तो अब बात करते हैं जो मनी, जो पैसा है, ठीक है। सो जब स्कूल लाइफ में या जो स्टडी लाइफ में बोल सकते हैं, नॉट ओनली स्कूल, स्कूल कॉलेज जो भी आपकी लाइफ है, जब आप एज ए स्टूडेंट होते हो आपके पास जो पैसा होता है लिमिटेड पैसा होता है, क्योंकि आपको पेरेंट्स वगैरह से पैसा मिल रहा होता है, थोड़ा बहुत जो भी आपको मिल रहा होगा वो मिल रहा होता है, जो कि आप एक अगेन आप एक आपके पास एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पैसे को बहुत ही आप लिमिटेड वे में खर्च कर सकते हो, बहुत सी लिमिटेड चॉइसेस हैं आपके पास जो कि आप फुलफिल कर सकते हो उन पैसों के साथ, ठीक है। अगेन बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको बहुत अच्छा खासा पैसा मिल रहा होगा, वो आराम से घूम फिर सकते हैं या जो भी वो काम करना चाहते हैं वो कर पा रहे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो हैं पैसों को खर्च करते हैं, बिकॉज उनकी में भी जो सिचुएशन है घर की वो उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। मेरे साथ अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ ये प्रॉब्लम थी, हम लोग जो पैसों वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे, रिजर्व रहते थे। इनफैक्ट जो स्कूल लाइफ में जो भी ट्रिप वगैरह होते थे या कोई आउटडोर होता था वो हम लोग बहुत ही सोच समझ के करते थे, यानी बहुत ही सोचते थे और सिर्फ वैसी जगह ही जाते थे जो बिल्कुल ही कम बजट की हो, जिसको बहुत इजीली अफोर्ड किया जा सके। तो जब आप आते हो इसमें जॉब वगैरह में, देन यू स्टार्ट मेकिंग मनी, उसके बाद आपके पास पैसा होता है, यू हैव लग्जरी, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं इस पैसे को कैसे स्पेंड करूं, आप घूमने फिरने जा सकते हो, आप हो सकता है अगर आप सोशल लाइफ में ज़्यादा हो तो हो सकता है आप डोनेशन जो आप पहले शायद करना चाहते थे लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते थे,
अब आप डोनेट कर सकते हो, स्पॉन्सर कर सकते हो स्टूडेंट्स को, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो जब आप जॉब लाइफ में आते हो। जैसे पहले एज अ स्टूडेंट या जब मैं ग्रेजुएट कर रहा था उस टाइम मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाता था, एक तो क्योंकि मेरी नॉलेज भी थोड़ी लिमिटेड थी, और उसके बाद जो मनी मनी मैटर्स अलॉट, मनी से है आपको नॉलेज भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो पैसे भी थोड़े कम थे, लेकिन जॉब लाइफ में एटलीस्ट जो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास आ जाती है। अब फाइनेंशियल फ्रीडम से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बिना सोचे समझे सब कुछ करने लग जाते हो, इतनी भी ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आती है जॉब करके। एटलीस्ट आपको यहाँ अंबानी या टाटा नहीं बन जाते हो जॉब करके, लेकिन हाँ अगर आपको एक एवरेज लाइफ जीनी है तो काफ़ी हद तक आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम आ जाती है कि आप आराम से घूम फिर सको, प्लान कर सको, अपने जो ब्रदर्स वगैरह, अगर आपके यंगर ब्रदर सिस्टर हैं उनकी स्टडीज़ को सपोर्ट कर सको, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सको, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्पेशली जब मैंने पैसे अर्न किए, आई स्टार्टेड सपोर्टिंग माई फैमिली, तो उससे जो फैमिली इन द सेंस माई पेरेंट्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ यार पेरेंट्स को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, विच इज़ अ बिग थिंग, राइट। हम लोग का एज अ स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि हाँ हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बहुत पैसा सेव करते हैं ताकि उन पैसों को वो हमारी स्टडीज़ पे लगा सकें। तो जब आप पैसे अर्न करना शुरू करते हो एंड यू स्टार्ट गिविंग बैक टू योर पेरेंट्स, वो एक फीलिंग बहुत ही अलग लेवल की फीलिंग होती है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक दे विल स्टिल रिमेंबर कि उन्हें जब पहली सैलरी मिली थी तो उन्हें कितना अच्छा महसूस हुआ था। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली जब आपको पता होता है कि इस पैसों का जो है इससे कितना चेंज आने वाला है आपके आपके सोच आपके मैं क्या बोलूँगा उसको, काइंड ऑफ यू नो लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मनी मेकिंग, तो दिस इज़ यू नो दिस इज़ वन वेरी बिग थिंग अबाउट जॉब। और उसके अलावा बात करते हैं, इफ़ यू सी मी लुकिंग हेयर, तो एक्चुअली मैंने आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड अ पेपर, यू नो काइंड ऑफ थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट, सो आई डोंट रियली मिस एनी थिंग, ठीक है। अब जो मनी मेकिंग अगर हो गया, उसके बाद बात करते हैं डेडलाइंस की। तो स्कूल स्टडी टाइम पे क्या होता है, आपके पास डेडलाइन होती है लेकिन उतनी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस नहीं होती है। आपको क्या होगा, या तो आपको असाइनमेंट मिला होगा या आपको एग्जाम्स की डेडलाइन होगी, काइंड ऑफ इस टाइप की डेडलाइन होगी। लेकिन जॉब लाइफ की डेडलाइन जो होती है वो बहुत ही सीरियस डेडलाइन होती है, और बहुत ही जो है कमिटमेंट उसमें होती है, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट कमिटमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है मे बी अगर आपका जो स्कूल या कॉलेज टाइम पे आप अफोर्ड कर सकते हो डेडलाइन मिस करना, लेकिन जॉब टाइम पे डेडलाइन मिस करना आप इतनी इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट जॉब में क्या है, आप किसी के बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हो, तो अगर आप डेडलाइन मिस करते हो तो किसी का बिजनेस जो है वो इम्पैक्ट होने वाला है। तो इसलिए डेडलाइंस बहुत सीरियस होते हैं, और कई बार इन डेडलाइंस की वजह से आपको जो है डे एंड नाइट काम करना पड़ता है, विच इज़ मतलब ऐसी चीज़ें रेयर होती हैं लेकिन ये होती हैं, डेडलाइंस हैं और सारे काम जो है आपको डेडलाइन के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। आप कई बार देखोगे कि आप अगर स्कूल या कॉलेज टाइम पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे होते हो, अगर स्पेशली मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ तो उसमें जब आप प्रोजेक्ट सबमिशन करते हो आप बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, बिकॉज यू हैव लग्जरी, आपके पास बहुत टाइम होता है, 6 से 8 महीने लेते हो, आप प्रोजेक्ट बनाते हो, उसके बहुत सारे इटरेशंस करते हो। लेकिन जो जॉब लाइफ में कई बार आप देखोगे जो प्रोडक्ट होते हैं वो इतने जितने हाई क्वालिटी के आप बनाना चाहते हो प्रॉब्ली उतने नहीं बन सकते हैं, बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, आपके पास डेडलाइन है कि आपको इसी सर्टन टाइम में वो काम फिनिश करना है। अगर आपको मैं अनलिमिटेड टाइम देता तो शायद मतलब आप ऐसा ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाते जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वैसी चीज़ें यहाँ नहीं होती है जॉब लाइफ में। जॉब लाइफ में आप जो भी काम करते हो उनकी एक डेडलाइंस होती है, डेडलाइन हमेशा रहती है। बात करते हैं कि मोस्टली आई थिंक अभी भी खैर इंडिया में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टडी के लिए घर से बाहर जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते हैं वो और बैक टू होम जाते हैं, यानी कि मतलब घर में ही वो रहते हैं और सेम सिटी में यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं प्लस रह रहे हैं। लेकिन जॉब लाइफ में मोस्टली जो हम इंडिया में स्पेशली आपको पता है कि हमारी जॉब लाइफ के लिए हमें बाहर निकलना ही पड़ता है, आपको घर छोड़ना पड़ता है, यानी आपका जो फैमिली लाइफ से धीरे धीरे जो सपोर्ट सिस्टम है यानी कि आपका जो कि फैमिली से आपको मिला हुआ था वो थोड़ा कम होने लगता है, और जितनी भी आपकी जो चीज़ें हैं यानी टेंशनें हैं या जो भी है यार आपका लाइफ, आपको धीरे धीरे आप उसको इंडिविजुअली हैंडल करना शुरू हो जाते हो। कभी कभी ये थोड़ा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज आप लगभग 25-20
20 से 25 साल आप रहे होते हो पेरेंट्स वगैरह के साथ, सडनली फिर उसके बाद किसी और सिटी में जाके आप अकेले रहना शुरू कर देते हो। ऑफ कोर्स इससे आपको फ्रीडम मिलती है, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ जब आपको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता है, स्पेशली जब आप बीमार होते हो। उन केसेस में आपको आप फैमिली वगैरह को बहुत मिस करते हो, बिकॉज आपको पता है कि हाँ यार अकेले अगर आप बीमार भी हो आप खुद से अपनी कितनी टेक केयर कर लोगे, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। अब बात करते हैं कि स्कूल या कॉलेज टाइम में जो है आप अफोर्ड कर सकते हो कि अगर आप आपने काम अच्छे से नहीं किया, यू कैन क्राई, यू कैन टेक हेल्प एंड ऑल दोज थिंग्स। जॉब लाइफ में क्या होता है कि आप हेल्प ले सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू इन सम वे। पीपल आर गोइंग टू से कि हाँ यार इस बंदे को ये काम भी नहीं आता, वो काम भी नहीं आता। अगर आप हर बार हेल्प लेने जाओगे तो ये चीज़ हमेशा होती है, ठीक है? तो एंड ऑल्सो यू कैन नॉट ऑलवेज बी अ क्राई बेबी इन इन अ जॉब लाइफ, ठीक है? आपको जो है स्टडी लाइफ में आपको बहुत से लोग हेल्प करते हैं, लेकिन जॉब लाइफ में यू कैन नॉट ऑलवेज बी अ क्राइंग बेबी। अगर आपको कोई काम दिया गया है तो आपको वो करना है, अब आप उसको कैसे करते हो, कैसे फिनिश करते हो, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कैन टेक हेल्प, यू कैन सर्च ऑनलाइन, यू कैन एजुकेट योर सेल्फ। इसलिए आप देखोगे बहुत से लोग जॉब में आके और भी ज़्यादा स्टडी करते हैं, बिकॉज दिस इज़ वॉट दे नीड अगर उनको सस्टेन करना है जॉब लाइफ में। तो अब एक जस्ट क्विक जो आपका लाइफ होता है, जॉब लाइफ होता है, उसमें क्या होता है कि आप सुबह उठे, रेडी हुए, उसके बाद जो है आप ऑफिस गए। ऑफिस में क्या होता है टिपिकली जो है आप किसी, जैसे आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होगे, वो या तो होगा वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या सपोर्ट प्रोजेक्ट होगा। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है उसमें आप जो है किसी काइंड ऑफ कोई प्रोडक्ट वगैरह या तो बना रहे होगे या काइंड ऑफ जो भी है एक पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहे होगे जो डेवलप होने वाला है। और सपोर्ट वाले में क्या होता है, ऑलरेडी चीज़ें डेवलप हो गई हैं उसके बाद सपोर्ट कर रहे होते हो, यानी कि जो सपोर्ट वाली चीज़ें हैं वो थोड़ा डे टू डे काइंड ऑफ चलती है। आपको ऑलरेडी चीज़ें पता होती हैं कि मुझे क्या करना है, क्या मेरी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, आपकी SOPs बनी होती है, उसको आप फॉलो करते हो। डेवलपमेंट में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। उसके मतलब जब आप ऑफिस में गए उसके बाद वही आपने ईमेल्स वगैरह चेक की, कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद अपना काम किया, फिर लंच टाइम हो गया, आपने लंच किया, उसके बाद जो अगेन सेम चीज़ आपने दोबारा की, ठीक है? तो यही होता है यार, वर्क लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं आता। अगर आप देखो तो चीज़ें सेम वे में ही मूव हो रही होती है काफ़ी, इसलिए काफ़ी लोगों को लगता है कि वो स्टेगनेंट हो गए हैं या जो है उनकी रूटीन काफ़ी बोरिंग हो गई है, क्योंकि सेम चीज़ आप कर रहे हो और कितने साल तक आप जो है सेम चीज़ें करते रहते हो। इसलिए आपको जो है टाइम टू टाइम जो है ब्रेक लेना या हॉलीडेज लेना ताकि आप आउटिंग कर सको, या जो भी काम आपको रिफ्रेशिंग लगता है, आपके माइंड के लिए रिफ्रेशिंग है, वो सब चीज़ कर सको, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है वर्क लाइफ में। सोशल जब आप स्टूडेंट लाइफ होते हो तो वैसे ही आप इतना घूम फिर रहे होते हो, आपकी आउटिंग हो रही होती है या आप फ्रेंड्स वगैरह से मिल रहे होते हो, आप गपशप लड़ा रहे होते हो, सारे काम ऑलरेडी कर रहे होते हो। तो इसलिए जो वर्क लाइफ बहुत काइंड ऑफ रूटीन वर्क होता है यार, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। अब एक चीज़ है जो कि डिफरेंट है, जब हम स्टडी लाइफ में सीख रहे होते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ IT की, जब आप प्रोग्रामिंग वगैरह सीख रहे होते हो या IT लाइफ में, जैसे आप प्रोग्राम जब आप स्टडी शुरू ही करते हो कंप्यूटर्स की, जब आप लाइक ना माउस चलाना सीख रहे होते हो कि इसको कैसे चलाना है, कैसे स्क्रीन पे एरो मूव्स हो रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप शुरू करते हो बहुत बेसिक सीखना, जैसे ड्राइंग वगैरह सीखते हो, पावर पॉइंट सीखते हो, MS Word सीखते हो, और उसके बाद शायद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML वगैरह, या शायद अभी कुछ और भी कोर्स आ गए होंगे, आई डोंट नो आजकल क्या करवाया जा रहा है, शायद पाइथन या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सी लैंग्वेज, या इन सब की तरफ धीरे धीरे मूव हो रहा है सिलेबस, जितना कि मेरे को आइडिया है, ठीक है? तो जब भी आपको टीचर पढ़ा रहा होता है या आप पढ़ रहे होते हो, तो ना तो अगर अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो आई डोंट नो आज के टाइम पे उन्हें होता है कि नहीं आइडिया, लेकिन उस टाइम पे जब हम लोग पढ़ा करते थे टीचर को खुद आइडिया नहीं होता था कि ये सी ये पढ़ तो हम लोग रहे हैं लेकिन इसका यूज़ कैसे होगा, एक्चुअल जब जॉब लाइफ में आप जाओगे तो इसको कैसे यूज़ करेंगे। इसलिए हमारे मन में बहुत से क्वेश्चंस आते थे, जो क्वेश्चंस हम पूछते थे तो वो टीचर्स भी आंसर नहीं कर पाते थे। अब वो इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें भी आइडिया नहीं था यार, वो सिर्फ टीचिंग लाइन में जॉब कर रहे हैं, उन्हें आइडिया नहीं है कि IT में जो जॉब होती है वो कैसे होती है। इसलिए आप देखोगे कि अब सडनली आप देखोगे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो कि एक्चुअली IT जॉब कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने अपने जो कोर्सेज अपलोड किए हैं, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है या IT में कैसे काम होता है वो चीज़ें शेयर की है, तो आप सडनली उन वीडियोस को देखते हो और आप एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हो या अमेज्ड हो जाते हो कि यार मेरे टीचर ने तो मुझे ऐसे पढ़ाया ही नहीं था या मेरे टीचर ने तो मुझे ऐसे समझाया ही नहीं था।
उसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स जब आपको पढ़ा रहे होते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता कि यार इसका यूज़ जो है रियल वर्क में, रियल आईटी लाइफ में कैसे होगा, इसलिए वो आपको उतने अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। वो एक सर्टन जो है पैटर्न फॉलो करते हैं और उसके बेसिस पे पढ़ाते हैं। अगेन जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूँ, हर चीज़ों में जो है एक्सेप्शन हैं। बहुत से ऐसे टीचर्स भी हैं जो हो सकते हैं ऑलरेडी आईटी का एक्सपीरियंस रखते हो और उसके बाद पढ़ा रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होगी बिकॉज वो ऑलरेडी जो है लेस ए काइंड ऑफ स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं और उसके बाद वर्क लाइफ जो है आईटी जॉब्स वगैरह में भी इंटरेस्टेड है। उन्हें पता है एक्चुअली क्या चल रहा है, वो अपने आप को एजुकेट रखते हैं, ठीक है, एजुकेटेड रखते हैं, और मे बी दे आर स्टिल लर्निंग, ठीक है। तो वैसे एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन मोस्टली जो है चीज़ें ऐसे चल रही थी उस टाइम पे। अगर अभी चीज़ें चेंज हो गई हैं तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन वगैरह में कि हाँ अभी जो चीज़ें हैं वो चेंज होने लगी हैं। तो ये मेरा काइंड ऑफ यू नो एक्सपीरियंस था। एक जो चीज़ और है कि आई थिंक इतना ही था। मे भी जो बाकी चीज़ें हैं वो अगर उसको बताने लगूँ तो चीज़ें काफ़ी लंबी हो जाएंगी। ऑलरेडी आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो या कोई कमेंट हो या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो या आप डिस्कशन करना चाहते हो तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग मे भी एक लाइव सेशन कर सकते हैं। आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो ताकि जो जनरल एक्सपीरियंस है वो लोगों से यू नो शेयर हो और शायद उनको भी अपने स्कूल या कॉलेज के दिनों का जो टाइम याद आए और वर्क लाइफ जो है उससे वो काइंड ऑफ कंपैरिजन करे और उन्हें फील हो काइंड ऑफ कि कितना इंटरेस्टिंग टाइम उन्होंने अभी तक यू नो जिया है, वो लुक बैक कर सके अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अभी जो है मैं ब्लॉगिंग वाली सीरीज़ फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ ऑलमोस्ट 5th of April तक, जब तक कि मैं पूरे अच्छे से आप लोगों को ब्लॉगिंग सिखा नहीं देता हूँ और आपकी वेबसाइट उस शेप में नहीं आ जाती है कि आप गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सको, तब तक वो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। लेकिन उसके अलावा बीच बीच में मैं कुछ जनरल टॉपिक्स वगैरह पे बात करता रहूँगा। अभी जो है आज का जो प्लान है, मेरा एक फ्रेंड है जो कि दोहा कतर में रहता है, उसने भी वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम किया था, तो उसके साथ लाइव करने वाला हूँ और उसका जो एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है। मैंने आपको ऑलरेडी शायद एक वीडियो में बताया था कि मैं धीरे धीरे अपने जो भी सभी फ्रेंड्स हैं उनके साथ यू नो लाइव करूँगा या कनेक्ट करूँगा और उनका एक्सपीरियंस भी है वो शेयर करूँगा। तो वो चीज़ें धीरे धीरे अब जैसे जैसे उनको टाइम मिल रहा है वो मेरे से कनेक्ट हो रहा है और हम लोग धीरे धीरे लाइव कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 2 लाइव कर लिए थे, 2 डिफरेंट फ्रेंड्स से आपको मिलवाया था, और जो आज हम जो है तीसरे फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। वो दोहा कतर में काम कर रहा है, जो पिछला फ्रेंड था वो दुबई में काम कर रहा है। ओके फिर मिलते हैं, सी यू अगेन।